हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिफ्ट 4 में पूछे गए सभी क्वेश्चंस के बारे में। और ये जो पेपर है ये मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसमें लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों में जो भी आपके टीचिंग मेथड्स एंड पेडागॉजिकल क्वेश्चंस और जो भी आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। दिस इज आवर लास्ट वीडियो ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये वीडियो टारगेट करेगा थर्ड ग्रेड एग्जाम को। तो आप में से जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं, जो तैयारी कर रहे हैं थर्ड ग्रेड इंग्लिश से, तो डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। और 55 क्वेश्चंस को वी विल कवर एंड मैं ट्राई करूंगी कि जल्दी से जल्दी मैं कम समय में सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी होता है, आपको एक आइडिया लगेगा, एक आपको बेस पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहने वाला है और किस तरीके से इस बारी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एज अ रिवीजन की वीडियो आप इसको मान सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज्वाइन करनी है टेस्ट सीरीज फॉर इंग्लिश, सो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम एप्लीकेशन। ऐप का लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, कमेंट बॉक्स में जाके आप ऐप डाउनलोड करके वहां से टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लेवल 2 के लिए इंग्लिश की टेस्ट सीरीज अगर आपको लगानी है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज है जहाँ पे 90 प्लस अभी तक टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप चेकआउट जरूर करिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप एप्लीकेशन पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें से आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है वो बताना है, करेक्ट इंटरोगेटिव। तो देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। भाई वो सेंटेंस जो आपके प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जो प्रश्न पूछने के लिए जिन सेंटेंसेस को हम उपयोग करते हैं वो आपके इंटरोगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे देख लो, हैड बीन इट रेनिंग फॉर लॉन्ग, व्हाट बीन इट हैड रेनिंग, तो ये बिल्कुल ही गलत है। हाउ हैड बीन, हाउ भी नहीं आएगा, और हैड इट बीन रेनिंग, तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको केवल बेसिक टेंस पता होना चाहिए और बेसिक आपको पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, तो हैड इट बीन रेनिंग फॉर लॉन्ग विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो, एडमिटेंस डैश टू हिम बाय द गार्ड। अब वर रिफ्यूज्ड होगा, वाज रिफ्यूज्ड होगा, आर होगा या विल बी होगा। तो एडमिटेंस डैश टू हिम बाय द गार्ड वर होगा। तो देखो यहाँ पे जो हमारी वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर में आएगी। ठीक है, तो एडमिटेंस है तो वाज आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, वाज रिफ्यूज्ड, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई विल नेवर स्टील अगेन। सो इसका आपको क्या बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है इसका क्या बनेगा। तो यहाँ पे लिखा है सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई विल नेवर स्टील अगेन। अब इसका हमें इंटरोगेटिव बनाना है, तो ही कॉल्ड अपॉन हेवन, तो यहां तक तो बिल्कुल सारे सभी जो पैटर्न है वो सही है। ठीक है, अब है ही कॉल्ड अपॉन हेवन दैट आई वुड होगा, तो यहाँ पे आई होगा नहीं। ठीक है, ये गलत हो गया। और टू नेवर स्टील अगेन होगा, या फिर टू विटनेस हिज रिजॉल्व नॉट टू नेवर स्टील अगेन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन विल बी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द एफ्रिकेट साउंड्स। अब इंग्लिश में आपको पता है कि साउंड्स एंड सिंबल्स आपके पेपर में इस बार भी पूछे जाएंगे, और आपको सभी साउंड सिंबल्स आपके आपको जो है वोवल्स कॉन्सोनेंट्स उसके टाइप्स आपको पता होना चाहिए बेसिक। ठीक है, तो आपको पता है कि 44 साउंड्स हैं टोटल, जिसको डिवाइड किया गया है 20 और 24 में, और 20 जो संख्या है वो वोवल्स की होती है, जिसमें से 8 डिप्थोंग और 12 मोनोफथोंग होते हैं, और 24 कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग कैटेगराइज किया गया, जिसमें से एफ्रिकेट जो है वो भी कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आते हैं। और एफ्रिकेट साउंड्स की संख्या कितनी है इंग्लिश में, 2 है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो टी एफ करके जो इस तरह से है, ये जो है इसको हम कहते हैं च, और ये जो है डी जेड करके ये होता है ज, तो ये ज और च साउंड के लिए होता है। ठीक है, और ये जो एम एन है इसके साथ अगर मैं इंग जोड़ दूं तो ये नेजल्स होते हैं, जो नोज से जिनकी ध्वनि उत्पन्न होती है वो नेजल्स हो गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, एफ्रिकेट्स की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फोनेटिक सिंबल फॉर द वर्ड गुटेशन। ठीक है,
सो इस वर्ड का आपको फोनेटिक सिंबल्स जो है देखना है क्या होगा। तो अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो ये जो वर्ड है यहाँ पे अगर हम देखें तो जी 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 ग के लिए होता है, और ये जो आप देख रही हो ये अ का होता है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, जी यू टी टी ए यानी गटेशन बनेगा, ठीक है। तो जो गटेशन वर्ड है इसका यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। अब टेशन में ई आई होना चाहिए, ठीक है, तो ये होगा नहीं बिकॉज ये गलत है। उसके बाद ई आई जो है ये बी वाले में दिया हुआ है तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और श है टी आई जो है इसका इसका जो सिंबल होगा वो श होगा। एस एस तो वैसे ही आप डिलीट कर देंगे, है ना, क्योंकि जो एस होता है अगर हम श की बात करें तो श सिंबल के लिए हम इस तरह से यूज करते हैं, और जो एस होता है वो स के लिए होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। सो आपको इसके बेसिक सिंबल्स याद रखने हैं, जितने भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बनाई है, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं। आपको सारी वीडियोस का जो लिंक है, प्लेलिस्ट है, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। श के लिए ये वाला आप सिंबल याद रखो, और ये जो होता है ये स के लिए होता है, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है, द फंडामेंटल ऑर्डर ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग शुड बी फॉलोड। इट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। यानी कि हम ये कहते हैं कि भाई हमें जो स्किल्स हैं वो हमें फंडामेंटल ऑर्डर जैसे LSRW से सिखाना चाहिए। तो ये कौन सी प्रिंसिपल की ओर इशारा करता है, कौन सा प्रिंसिपल ये है वो हमें बताना है। तो अगर हम कहते हैं कि भाई हमें फंडामेंटल ऑर्डर में ही सीखना है, LSRW को हमें सिखाना चाहिए, LSRW सीखने का क्रम जो होता है वो यही होता है हमारा। तो इसको हम नेचुरल वे कह सकते हैं कि हम नेचुरल क्रम से, नेचुरल ऑर्डर से सीखते हैं लैंग्वेज को, ठीक है। तो फॉलो द नेचुरल ऑर्डर और फॉलो द नेचुरल वे विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, लीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड इन विच प्रिंसिपल। यानी अगर हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो कौन से प्रिंसिपल में आता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है कुछ मिस्टेक हो गई है, प्रिंट यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, बट मैं बता देती हूँ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना ग्रेडेशन होता है, ठीक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब सरल से जटिल की ओर जाना, सरल से जटिल की ओर हम कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो वो ग्रेडेशन का पार्ट होता है। ग्रेडेशन का मतलब ही होता है कि किसी भी मैटर को क्या करना, सिंप्लीफाई करना, मैटर को क्या करना, सिंपल करना, सरल बनाना, सिंप्लीफाई करना ग्रेडेशन होता है, ठीक है। और ग्रेडेशन में दो चीजें आती हैं, एक होता है ग्रुपिंग, जब हम ग्रुपिंग कर देते हैं फोनेटिक सिमेंटिक अलग अलग ग्रुपिंग हम कर देते हैं, सिंटेक्स ग्रुपिंग हो गया, और एक होता है सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो ये दोनों ही किसके अंदर आते हैं, ग्रेडेशन का पार्ट है, और ग्रेडेशन का मतलब होता है मैटर को सिंप्लीफाई करना। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ दीज इज अ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे होगा? तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर को हम क्या कहते हैं, ये याद रखिएगा कि इसको हम GTM बोलते हैं। वही सेम चीज है, GTM मेथड के बारे में पूछा गया है, इसको क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंसिपल होगा जो इसमें हम फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग वर्ड होती है, नॉट द सेंटेंस, ठीक है। ये याद रखना कि जो यूनिट ऑफ टीचिंग है GTM में वो वर्ड होती है, और जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट मेथड की यूनिट को माना जाता है। आपको कई सारी बुक्स में ये उल्टा दिखेगा, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर है उसमें सी को माना गया है, ठीक है, कि वर्ड यूनिट है। बिकॉज वर्ड यूनिट क्यों होता है, क्योंकि ज्यादातर हम वोकैबुलरी सिखाने पे फोकस करते हैं GTM में, और सेंटेंसेस जो है ये डायरेक्ट मेथड यानी नेचुरल मेथड जो है उसकी यूनिट कहलाती है, यूनिट ऑफ टीचिंग सेंटेंस। क्योंकि डायरेक्ट मेथड में वाक्य सिखाने पे पहले फोकस करते हैं, बाद में हम शब्द सिखाते हैं, तो पहले वाक्यों को सिखाने का फोकस जो है वो डायरेक्ट मेथड में ज्यादा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच मेथड इज अ मिडवे बिटवीन टू ओल्ड मेथड्स, ट्रांसलेशन कम ग्रामर एंड डायरेक्ट। मतलब कौन सा मेथड है जो कि इन दोनों के बीच में आता है, GTM और डायरेक्ट के बीच में कौन सा मेथड आएगा? तो एक अगर पूछेगा कि मिडवे का काम कौन सा मेथड करता है, या फिर मैं बोलूं ब्रिज का काम कौन सा मेथड करता है, दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम कौन सा मेथड करता है, तो बाइलिंगुअल के साथ हम जाएंगे। बाइलिंगुअल मेथड जो है, जो कि CJ डॉटसन ने दिया इसको, और इसमें दोनों ही भाषा, चाहे मैं टारगेट की बात करूं या मैं बात करूं मदर टंग की, दोनों ही लैंग्वेज को हम यहाँ पे
साथ में लेकर के चलते हैं और दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन कहलाता है। और बाइलिंगुअल मेथड में टीचर जो है मदर टंग को यूज करता है, स्टूडेंट मदर टंग को यूज नहीं करते। टीचर को अगर कोई डिफिकल्ट टॉपिक या कोई डिफिकल्ट वर्ड समझाना हो तब उस जगह पे टीचर बच्चों की मदर टंग को उपयोग करता है, अदरवाइज टीचर नहीं करता हर वक्त। और स्टूडेंट जो है वो केवल टारगेट भाषा को यूज करते हैं बाइलिंगुअल में, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका हो गया बी। इसके अलावा ऑडियो लिंगुअल मेथड को हम आर्मी मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और माइकल वेस्ट न्यू मेथड कौन सा मेथड है? ये रीडिंग मेथड है, रीडिंग पे फोकस किया जाता है, रीडिंग मेथड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। पठन पे बहुत फोकस किया गया इस विधि में। तो ये आपको बेसिक बात सभी विधियों के बारे में याद रखना है। तो बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज रिलेटेड टू इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग? कौन सा इसमें से इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड के बारे में सही है? तो इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों को बोला गया है। आगमन निगमन, आगमन आपको पता है कि जब हम किसी उदाहरण से रूल की तरफ जाते हैं, जब हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करते हुए किसी भी रूल को सामान्यीकृत कर देते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल जाना और एग्जाम्पल टू रूल जाना इंडक्टिव है। और जब हम इसी रूल को, जब हम इसी जनरल आइडिया को या जब हम इसी रूल को वेरीफाई करते हैं, हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं अगर, या फिर हम क्लैरिफिकेशन करते हैं, या फिर हम इसको टेस्टिंग करते हैं, जब हम इसी रूल को टेस्ट करते हैं, आगे टीचर रूल दे देगा और उसको वेरीफाई किया जाएगा, तो वो डिडक्टिव का पार्ट होता है, ठीक है। दोनों ही विधियां ज्यादा अच्छी हैं और दोनों ही विधियों में से इंडक्टिव मेथड बेस्ट मेथड है ग्रामर को पढ़ाने का, सबसे बेस्ट इंडक्टिव है। डिडक्टिव थोड़ा सा बड़े लेवल पे ज्यादा अच्छा माना जाता है। और इन दोनों की एक कॉमन, जो एक अगर मैं बताऊं इसकी कमी, तो ये दोनों ही स्लो कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा करेक्ट। इंडक्टिव स्लो किस लिए है? इंडक्टिव स्लो इसलिए होता है क्योंकि बच्चे यहाँ पे ना बहुत ज्यादा डिस्कवरी करते हैं, थोड़ा सा स्लो हो जाता है क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बच्चे अपने तरीके से यहाँ पे सीखते हैं तो थोड़ा स्लो है। और डिडक्टिव भी थोड़ा स्लो माना जाता है, टाइम लगता है। तो दोनों ही क्या है, स्लो प्रोसीजर है, ये एकदम इसके बारे में करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्किल इज द बेसिस ऑफ गुड रीडिंग गुड लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज? कौन से स्किल जो है बेस का काम करती है? तो आपको पता है सीखने का क्रम होता है LSRW, तो किसी भी भाषा को अच्छे से सीखने के लिए सबसे बेस का काम क्या करेगी? लिसनिंग स्किल करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। लिसनिंग स्किल विल बी राइट। लिसनिंग को हम रिसेप्टिव स्किल भी कहते हैं, लिसनिंग रिसेप्टिव है, लिसनिंग जो है वो पैसिव स्किल मानी जाती है, ठीक है। स्किल अगर मैं पूछूं तो रिसेप्टिव और पैसिव कहलाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज नॉट टेक्निक ऑफ स्पीकिंग स्किल। कौन सी स्पीकिंग स्किल की टेक्निक नहीं होगी? रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन आंसर, रोल प्ले या मॉडल रीडिंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा मॉडल रीडिंग, ठीक है। अगर हम स्पीकिंग स्किल की बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन हो सकता है, कुछ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर जैसे रोल प्ले हो गया, ड्रामा हो गया, जहां पे बच्चे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अपना कर रहे हैं, कुछ इनपुट दे रहे हैं। क्वेश्चन आंसर हो सकता है, रोल प्ले हो सकता है, लेकिन रीडिंग जो है ये पठन को ज्यादा फोकस करेगा, ना कि स्पीकिंग को, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड वाट, हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स आर टीचिंग ऑफ रैपिड रीडिंग? अब ये बड़ा ही अलग ही क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि भाई रैपिड रीडिंग के ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड वायट। तो थॉमसन एंड वायट ने जो ऑब्जेक्टिव बोले वो चार ऑब्जेक्टिव बोले थे, तो इसको आप एज इट इज याद रखो, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हु वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट रीडिंग एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड बाय रीडिंग बुक्स? किसने कहा कि भाई रीडिंग जो एबिलिटी है वो रीडिंग बुक रीडिंग करने से हम विकसित कर सकते हैं, ठीक है। किसने कहा ये? तो कौन इसको कह सकते हैं कि रीडिंग एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड बाय रीडिंग इन सॉलिट्यूड विद ईज इंटरेस्ट एंड प्लेजर? तो रीडिंग की बात की गई कि भाई हम विकसित कर सकते हैं, तो ये डॉक्टर वेस्ट ने कहा और डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ने रीडिंग मेथड दिया था, तो डी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल रीडिंग इज नोन एज, ओरल रीडिंग कौन सी रीडिंग होती है? ओरल मतलब जो मौखिक है, तो इसको लाउड रीडिंग कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो गया, लाउड रीडिंग जो कि छोटे लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे बहुत बेस्ट है। और लाउड रीडिंग का सबसे बड़ा फायदा अगर मैं पूछूं तो लाउड रीडिंग से बच्चे की हेजिटेशन दूर होती है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, शाइनेस, जो बच्चे शाय हैं उनका शाइनेस दूर होता है लाउड रीडिंग से, और प्रोनंसिएशन बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। ये एक फायदा है लाउड रीडिंग का।
बाकी इंटेंसिव रीडिंग कौन सी रीडिंग है भाई, जो आपकी एम के लिए होती है ना, जो आप बहुत डिटेल से पढ़ते हो वो इंटेंसिव है। साइलेंट रीडिंग का फायदा सबसे बड़ा अगर मैं बोलूँ तो कॉम्प्रीहेंशन हो जाता है, साइलेंट रीडिंग से समझ ज्यादा विकसित होती है, थिंकिंग स्किल ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू शेड्यूल एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आर टूल्स फॉर, अब ये किसके टूल माने जाते हैं सारे वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है, फटाफट से देखेंगे क्या होना चाहिए इसका करेक्ट। तो ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन में। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या बनेगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट बनेगा। ये जितने भी आप देख रहे हो टूल्स, ये हम यूज करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में सबसे ज्यादा। सबसे पहले चेकलिस्ट की बात करते हैं। चेकलिस्ट क्या होता है, जो यस और नो में हम इसको यूज करते हैं, यस एंड नो में। इसके अलावा रेटिंग स्केल, जहां पे हम 1, 2, 3, 4, 5 में हम रेट कर देते हैं किसी के परफॉर्मेंस को, किसी की वैल्यूज को, या जो ट्रेट है, जो भी ट्रेट्स है बच्चे का उसको हम रेट कर देते हैं। ठीक है, इंटरव्यू लेना भी हो जाएगा। और एनेक्डोटल क्या होता है, जहां पे हम बच्चों के व्यवहार को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइल्ड बिहेवियर, जो भी रिटन डिस्क्रिप्शन है बच्चे के व्यवहार का, वो एनेक्डोटल की कैटेगरी में आता है। तो ये सब हमारे फॉर्मेटिव का पार्ट है। ठीक है, चेकलिस्ट यस नो में होता है, या फिर राइट रॉन्ग भी कई बार आता है। इसके अलावा रेटिंग स्केल, जैसे नंबरिंग हो गया 1, 2, 3, 4, 5, और एनेक्डोटल क्या है, जो आपका लिखित है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी डी हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, जिसको असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं, जो ऑनगोइंग है, जो लगातार चल रहा है, ऑनगोइंग है। प्रोसेस की बात करें, जो बच्चे की प्रोग्रेस को सुधारने में मदद करता है, वो आपका फॉर लर्निंग है। समेटिव जो है वो ऑफ लर्निंग होता है, जो एट द एंड किया जाता है, जैसे कि आप टेस्ट ले लेते हैं, कोई एग्जाम ले लिया। ठीक है, एसे आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ दीज इज नॉट टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन, अप्रोप्रिएटनेस, इफेक्टिवनेस, इमिटेशन और प्रैक्टिबिलिटी। तो कौन सी इसमें से इवैल्यूएशन की टेक्निक में नहीं आएगा? तो 17 क्वेश्चन का जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, इमिटेशन होगा। इमिटेशन कोई भी इवैल्यूएशन का कोई टेक्निक नहीं है या कोई क्वालिटी नहीं है। अगर हम देखें, इवैल्यूएशन जो होता है उसको अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसको सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसको प्रभावशील होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और उसकी उपयोगिता यानी उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो उपयोगी हो बच्चे के भविष्य में। तो इमिटेशन कोई भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। 18 क्वेश्चन है, चेकलिस्ट टेक्निक इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन। चेकलिस्ट जो होता है वो हम किस लिए यूज करते हैं? तो अभी मैंने बताया, जो यस नो में होता है, जैसे आपको किसी भी चीज का चेकलिस्ट बनाना है, अगर किसी भी विषय में मान लीजिए आप चेकलिस्ट बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से हम एक चेकलिस्ट बना सकते हैं, जहां पर मुझे अगर बच्चे का व्यवहार जानना है तो मैं यस नो में इस तरह से चेकलिस्ट बना सकती हूँ, या कोई भी चीज मुझे जाननी है तो मैं यहाँ पे उसका बिहेवियर लिख दूंगी इधर, और यहाँ मैं यस और नो करके लिख दूंगी कि भाई ये व्यवहार बच्चे में है कि नहीं। ठीक है, ये बिहेवियर होगा जो मैंने चेक किया कि भाई यूनिफॉर्म में बच्चा आया या नहीं आया। आया तो यस कर दूंगी। क्या वो लंच लेके आता है? तो नो कर दूंगी। क्या वो डिसिप्लिन में रहता है? तो यस रहता है। क्या वो बच्चों से जो है फ्रेंडली रहता है, नहीं रहता अदर क्लासमेट से? तो मैं इस तरह से किसी भी चीज का मैं उसका चेकलिस्ट बना सकती हूँ। तो बेसिकली ये इंटरेस्ट, एटीट्यूड और वैल्यू को जांचने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इन्हीं के लिए हम इसको यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ दीज कमीशन एंड कमिटीज हैज नॉट मेड रिकमेंडेशन टू एनकरेज इंटरनल असेसमेंट थ्रू कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन? कौन सी कमेटी ने रिकमेंड नहीं किया है सीसीई के बारे में, वो हमें बताना है। भाई सीसीई के बारे में कौन सी कमेटी है जिसने इंटरनल असेसमेंट के बारे में रिकमेंडेशन नहीं दी, मतलब अपने सुझाव नहीं दिए? तो इसका नन हो जाएगा, बिकॉज ऐसा कोई कमेटी नहीं है जिसने सीसीई के बारे में बात नहीं की। सभी ने सीसीई के बारे में बात की है, हार्टो कमेटी, हंटर कमीशन, मुदालियर, सभी ने ही बात की है कि भाई सीसीई को हम आगे बढ़ाएं और इंटरनल असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो नन के साथ हम यहाँ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीई? कौन सा नहीं होगा सीसीई का एक उद्देश्य? चार ऑप्शन है, टू मेक प्रोसेस ऑफ टीचिंग टीचर सेंटर्ड, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम जो टीचिंग है उसको टीचर सेंटर्ड बना देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए हो गया इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब एक पैसेज में आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि
विटिलिटी का सिनोनिम क्या होगा, ठीक है? तो फटाफट से देखते हैं, एक पैसेज पूछा गया है। कभी कभी पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब देखो आपको सिनोनिम बताना है तो ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है? तो देख लेते हैं क्या होगा इसका। सो फटाफट से देखते हैं, इसमें विटिलिटी का जो सिनोनिम है वो क्या होगा, लेथर्जी, टॉपिडिसिटी, एक्सटर्नलिटी या फिर एनर्जी। तो इसका सी हो जाएगा, एनर्जी होना। बेसिकली इसके बहुत सारे अलग मीनिंग होते हैं। इसका मतलब होता है कि अ स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रांग, और कोई एक्टिव है बहुत ज्यादा, एनर्जी बहुत ज्यादा है किसी के अंदर, तो इसको हम एनर्जी बोल सकते हैं पहली बात, ठीक है? एनर्जी इसका एक सिनोनिम याद रखिए। इसके अलावा क्या हो सकता है, एक तरह से जील होना, लाइजेस्ट होना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जील हो गया, ठीक है? इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई, इसके अलावा हो सकता है वाइब्रेंट होना, ठीक है, लाइवलेस होना, ठीक है, या फिर स्पिरिट होना। तो ये सब चीजें जो है लाइफ, स्पिरिट, एनर्जी से रिलेटेड विटिलिटी का सिनोनिम हो सकता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। तो सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट बताना है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या है 22 क्वेश्चन के लिए। तो 22 क्वेश्चन के लिए करेक्ट स्पेल्ड वर्ड देखेंगे। फर्मेंटेशन है, प्रेजेंटेशन है, रेजोल्यूशन है, तो ये गलत है सारे। आपका ये जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पिक्चर स्क्वायर। पिक्चर स्क्वायर जो है वो करेक्ट है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एडवर्ब फॉर द वर्ड डिस्ट्रप्टिव विल बी। अब एडवर्ब बताना है, तो एडवर्ब क्या है भाई, जो वर्ब, किसी भी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या खुद एडवर्ब, एडवर्ब के बारे में क्या बताएं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रप्टिव में डिस्ट्रप्टिवली जो है एल वाई वो करेक्ट हो जाएगा। एडवर्ब को पहचानने की खासियत है कि किसी भी वर्ड में एल वाई आपको दिख जाएगा, ठीक है? मोस्ट ऑफ जो वर्ड होते हैं उनके पीछे एल वाई होता है, तो ये एडवर्ब है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। चूज वन वर्ड फॉर अ टेंडेंसी टू डू नथिंग और रिमेन अनचेंज्ड। अब इसमें आपको बताना है कि इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, अ टेंडेंसी टू डू नथिंग और टू रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है? अनचेंज होना तो एंग्विश होता है, डिस्ट्रप्टिव होगा, फर्मेंट होगा या इनर्शिया होगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, इसका इनर्शिया बनेगा। अ टेंडेंसी टू डू नथिंग यानी कि कोई ऐसी वस्तु जो एक स्थिति में है, ठीक है, जो अनचेंज्ड है। ज्यादातर साइंस में इसको हम पढ़ते हैं, मुझे तो ज्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपने पढ़ा हो मोशन चैप्टर या फोर्स चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें ये हमने पढ़ा था पहले, ठीक है, कि जो इनर्शिया है वो ऐसा स्टेट है किसी चीज में जो अनचेंज्ड है, जहाँ पे, ठीक है, जब तक उस पर फोर्स ना लगाया जाए तो वो इनर्शिया होता है, ठीक है? बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे एक आया है डिस्ट्रप्टिव, तो इसको समझते हैं कि डिस्ट्रप्टिव क्या होता है। डिस्ट्रप्टिव वर्ड होता है कोई हानिकारक कोई चीज है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा हानिकारक है, डेंजरस है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोई ऐसी चीज जो हार्मफुल हो, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो इंजीरियस है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, या फिर डेवास्टेटिंग एक वर्ड आता है ना, डेवास्टेटिंग मतलब बहुत ही बेकार, तबाह करने वाली चीज है ना, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई जो भूकंप है या जो नेचुरल क्लैमिटी है वो बहुत क्या होती है, डिवस्टेटिंग होती है या बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है, तो उसके लिए हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं। बाकी एंग्विश एक वर्ड आया है, एंग्विश का मतलब क्या होता है ये भी समझते हैं। एंग्विश का मतलब होता है कोई बहुत दुख दर्द, ठीक है, दुख दर्द की बात हो रही है तो वो, उसके लिए हम एंग्विश वर्ड यूज करते हैं। इसके बहुत सारे हो सकते हैं हमारे सिनोनिम। एक होता है मिजरी, ठीक है, मिजरी मतलब बहुत ही हालत जो है वो बहुत दुख भरी है, मिजरी हो गया, ग्रीफ हो गया, बहुत दुखद कोई चीज है, तो ग्रीफ वर्ड आता है। इसके अलावा एगोनी वर्ड आता है, AGONY। इसके अलावा हार्ट ब्रेक हो गया किसी का, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सफरिंग है, कोई सफर कर रहा है, तो अब आप समझ जाओ कि इस तरह के जो भी वर्ड होंगे वो एंग्विश के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। सौरो हो गया है ना, तो ये इस तरह के वर्ड आप जो भी देख रहे हो, या ग्लूमी हो गया कुछ, तो ये सब एंग्विश के लिए हम यूज करते हैं, कोई दुख से भरी चीज है, ठीक है। तो एक तो हमने वर्ड डिसरप्टिव पढ़ा, हार्मफुल है कोई चीज, और एक एंग्विश जो कि दुखद है, ठीक है। तो ये दोनों सिनोनिम आपको याद रखने हैं, इस तरह के वर्ड आपके पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं फटाफट से।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंड एवरी अदर इमेजिनेबल कंफर्ट एंड लग्जरी, जिसमें से इमेजिनेबल जो वर्ड है इस पैसेज में, इसमें इमेजिनेबल वर्ड को हमने किस तरह से यूज किया है, तो इसका हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि इमेजिनेबल वर्ड क्या है, नाउन है, कंजंक्शन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, इमेजिनेबल जो है ये आपका एडजेक्टिव एज एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम, चूज द कंपाउंड एडजेक्टिव। अब हमें वेल ब्रेड पेरेंट्स ने हमें कंपाउंड एडजेक्टिव बताना है, तो कंपाउंड एडजेक्टिव इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर इसका बी बनेगा, ठीक है। ये तो ईजी था, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज फ्रेज हैज डिटर्मिनर इन इट। अब कौन से फ्रेज में डिटर्मिनर है, तो डिटर्मिनर मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, बहुत सारे डिटर्मिनर्स हैं जिसमें आर्टिकल्स आ जाते हैं, हमारे क्वांटिफायर्स आ जाते हैं, हमारे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, तो उसके अंदर हमें डिटर्मिनर यहाँ पे पहचानना है 27 क्वेश्चन में, तो फटाफट से देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ ऑप्शन नंबर वन में कोई भी डिटर्मिनर नहीं यूज हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में अगर देखेंगे तो इसमें हमारा यूज हुआ है और देयर इज में भी यूज हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है वो बी और सी दोनों को माना गया है, ठीक है, बी एंड सी बोथ इसका करेक्ट माना गया है ऑफिशियल आंसर में, तो हम दोनों के साथ यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज चिल्ड्रन हु आर ब्रॉट अप ऑलमोस्ट एंटायरली बाय हायर्ड अटेंडेंट्स डेवलप अ ट्विस्टेड पर्सनालिटी, व्हिच टेंस इज यूज्ड इन द अबव सेंटेंस। कौन सा टेंस इसमें यूज हुआ है, एक बार इस सेंटेंस को आप पूरा पढ़िए एंड देखिए कि क्या होना चाहिए। दीज चिल्ड्रन हु आर ब्रॉट अप ऑलमोस्ट एंटायरली बाय हायर्ड अटेंडेंट्स डेवलप अ ट्विस्टेड पर्सनालिटी। तो 28 क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से हम किसकी बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, और इसमें बोला गया है कि दीज चिल्ड्रन, ठीक है, दीज चिल्ड्रन है यहाँ पे। अब इन बच्चों के बारे में क्या बोला गया है कि दे डेवलप, यहाँ पर हम देखेंगे कि डेवलप अ ट्विस्टेड पर्सनालिटी, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है यहाँ पे, तो दीज चिल्ड्रन डेवलप अ ट्विस्टेड पर्सनालिटी होगा इसका, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सेंटेंस को देखें, अगर मैं ये बाकी चीजें हटा दूं तो यहाँ पे डेवलप है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात कही गई है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज कौन सी करेक्ट है 29 क्वेश्चन में, तो इसमें देख लेते हैं, सिंपल हो गया, मोर सिंपल, मोस्ट सिंपल, तो मोर मोस्ट होगा नहीं यहाँ पे, इसका भी रूल होता है कि कहाँ मोर लगाएंगे कहाँ मोस्ट लगाएंगे, ठीक है, कौन से सिलेबल्स हैं, रिच रिचर ये नहीं होगा, मोर मोस्ट रिच मोर रिच, तो यहाँ पे लिटिल लेस लिस्ट जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है यू डैश बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ हैविंग मेड सच अ कमेंट। अब यहाँ पे कौन सा मॉडल होना चाहिए, यू मे बी, यू शुड बी, यू कैन बी या यू कुड बी, तो ऑप्शन इसका क्या होगा 30 क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन इसका बी होगा, यू शुड बी अशेम्ड, ठीक है, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट है ही चेज्ड द थीव एज फार एज ही डैश, ही मे, ही शुड, ही कैन या ही कुड, तो यहाँ पे ही चेज्ड द थीव एज फार एज ही कुड, जितना उसको वो कर सका उसने जो थीफ है उसको पकड़ा, तो कुड का बेसिकली यूज हम पास्ट एबिलिटी बताने के लिए यूज ज्यादातर करते हैं, कैन का कुड हो जाता है, शुड का यूज हम बेसिकली किसी को सुझाव सजेशन देने के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, मे का यूज हम किसी से परमिशन, फॉर्मली परमिशन लेना है तो हम यूज कर सकते हैं, मे का यूज हम पॉसिबिलिटी को बताने में कर सकते हैं, ठीक है, और कैन का यूज हम एबिलिटी को बताने में करते हैं, कोई प्रेजेंट एबिलिटी है हमारी क्षमता है, या फिर कैन का यूज हम परमिशन के सेंस में कर सकते हैं, तो अलग अलग हमारे इनके वर्क हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस हमें देखना होता है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी है उसका मूड क्या है, वो किस तरह इशारा कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ डी इसका क्या होगा करेक्ट होगा, नॉट सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कार सीम्ड टू हैव डैश बीट द बुश ट्राइड टू पिन वैनिश्ड इन टू थिन एयर या फिर ब्रॉडेड द रॉन्ग ट्रेन।
तो सही idiom यहाँ पे हमें बताना है 32 question के लिए। तो यहाँ पे कार के बारे में बोला गया था, कार सीम्ड टू हैव वैनिश्ड इनटू थिन एयर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा इसका, सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामा ओरिजिनेटेड इन, कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ ड्रामा, ग्रीक, रोम, इटली या इंग्लैंड में। तो ड्रामा जो है वो बेसिकली आपका ग्रीक से हुआ उत्पन्न। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा इसका, ए होगा। ठीक है, ड्रामा जो है वो ड्रैन वर्ड से आया, बेसिकली ग्रीक वर्ड ड्रैन से आया है, जिसका मतलब होता है टू डू और टू एक्ट। ठीक है, एक्ट करना, ये आपको याद रखना है, और एक्शन भी कहते हैं कई बार इसको। ठीक है, और ड्रैन वर्ड से आया है, ये आपको याद रखना है। और ड्रामा जो है ऐसा रिटन फॉर्म है जिसको ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एन ऑक्टेव इज अ स्टैंजा विद डैश लाइन। ऑक्टेव में कितनी लाइनें होती हैं, तो ये आपका सोनेट से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑक्टेव जो है वो आपके इटालियन सोनेट का पार्ट है। ऑक्टेव जिसकी 8 लाइनें होती हैं, जो किसी ना किसी कंफ्लिक्ट को या किसी प्रॉब्लम को बताने का काम करता है, उसको हम ऑक्टेव कहते हैं। और 8 लाइनें होती हैं इसकी। इसके बाद सेस्टेट आता है जिसकी 6 लाइनें होती हैं। और ये ऑक्टेव जो है ये किसका पार्ट है, इटालियन या फिर क्लासिकल सोनेट का। तो क्लासिकल सोनेट, इटालियन सोनेट, या फिर मैं बोलूँ पेट्रार्कन सोनेट, या आपके ऑक्टेव और सेस्टेट में आते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्टेव सेस्टेट इन्हीं के पार्ट हैं। तो ऑक्टेव की 8 लाइनें होती हैं, ये आपको याद रखना है। और टोटल अगर सोनेट की लाइनें पूछूं, सोनेट कितने लाइन की कविता होती है, तो सोनेट जो है वो 14 लाइन की कविता होती है, जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द 26 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट हैव डैश साउंड सिंबल्स। जो 26 अगर हम लेटर की बात करें, तो उनके जो टोटल साउंड सिंबल्स हैं इंग्लिश में, टोटल साउंड्स कितने हैं वो पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे 44 होना चाहिए, बट बोर्ड ने आंसर इसका 44-45 दोनों को माना है। ठीक है, कई बार आप किसी किताब में देखेंगे 45 भी आपको मिलेगा, तो इसका सी एंड डी बोथ विल बी राइट। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए सी एंड डी बोथ क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी और डी दोनों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, द फोनेटिक सिंबल्स वर्ड थिन। थिन के लिए फोनेटिक सिंबल क्या है। तो थिन में अगर हम देखें, तो इसकी हिंदी आप कर लो थिन, जिसमें थ पहले आता है, तो थ ये हो गया, थ के लिए ये सिंबल हम यूज करते हैं, तो ये हो गया ऑप्शन इसका बी। ठीक है, ये जो आप ए ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे, ये द के लिए होता है, ये थ के लिए होता है, और ये आपका होता है ज के लिए, ज, और ये जो होता है ये ज के लिए होता है। तो ये 4 सिंबल हैं, आपको चारों पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल क्या ध्वनि होती है किस सिंबल की। ठीक है, तो थिन में थ आया है, तो थ के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। द फोनेटिक सिंबल ऑफ लंग, लंग का फोनेटिक सिंबल क्या होगा। तो लंग में अगर हम लंग लिखें, तो इसमें एल होगा पहले, और लंग में इन का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ये होगा नहीं, ठीक है, ये गलत है, और ये ओ का होता है ओंग, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, लंग, ठीक है, एल फिर ऐसे, और इंग का साउंड जो है अंग के लिए यूज होता है, तो लंग हो गया। ठीक है, तो 37 के लिए ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, द वर्ड हैविंग द साउंड ई और इस तरह से किस में होगा। ठीक है, तो ई और ऐसे, तो ये ई के लिए होता है। ठीक है, कौन सा वर्ड है, ई है, ई अ एयर। ठीक है, तो पेयर हो जाता है इसका। बेसिकली ये जो वर्ड है ई, ये ए के लिए होता है, तो ए, और ये जो है ये अ हो जाएगा, तो ए अ वर्ड होगा। ए अ वर्ड किस में आ रहा है, पेयर में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, H इज अ डैश साउंड। H जो है वो कौन सा साउंड है इंग्लिश में, वॉइसलेस है, वॉइस्ड है, पैलेटल है या वेलर है। तो 39 क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, H इज अ वॉइसलेस साउंड। तो इंग्लिश में कुछ हमारे वॉइस्ड और कुछ वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कुछ पैलेटल होते हैं, कुछ वेलर होते हैं, ये सब आपको मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन दोनों में ही पढ़ना है। तो एक बार से फटाफट से डिस्कस मैं कर लेती हूँ। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेलर साउंड कौन से होते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर आपके पेपर में काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए।
तो वेलर साउंड जो होता है वो ऐसा कॉन्सोनेंट्स है जो कि आपके बैक ऑफ द टंग से प्रोड्यूस होता है, सॉफ्ट पैलेट से प्रोड्यूस होता है। आप बस इतना याद रखो, आप इनकी संख्या याद रखो, बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा। तीन वेलर साउंड इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है, एक होता है के, एक है आपका जी ग के लिए, और एक होता है इंग वाला जैसे सिंग में, ठीक है। तो ये आपके क्या है, वेलर साउंड्स हैं, जिसमें से के वॉइसलेस में है, जी वॉइस्ड में है, और इंग जो है वो वॉइस्ड में है। इतना डिटेल में नहीं जाना है, केवल आप नंबर याद रखें। और सॉफ्ट जो पैलेट होता है हमारे माउथ के हिस्से में, जो सॉफ्ट पैलेट है, मतलब जो हमारे माउथ का जो रूफ पार्ट है, वहां से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वेलर होती है। और यहाँ पे वॉइस्ड की संख्या पूछी जाती है इंग्लिश में, कितने वॉइस्ड हैं और कितने वॉइसलेस हैं। तो देर आर 15 वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स, एंड वॉइसलेस की संख्या कितनी है, 9 है टोटल इंग्लिश में। और पैलेटल साउंड्स जो होते हैं, जो पैलेटल साउंड्स हैं उसमें केवल एक को ही माना जाता है पैलेटल, वो तो जे वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो यस के लिए होता है, ठीक है। तो ये पैलेटल कॉन्सोनेंट है जो कि मिडल पार्ट ऑफ द टंग से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हार्ड पैलेट से प्रोड्यूस होता है। तो ये आपको बेसिक बात इसमें याद रखनी है, ठीक है। बाकी इसकी भी वीडियो मैंने डिटेल से एक बना रखी है, आप थोड़ा चेकआउट करेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको पूरा मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की वीडियो मिल जाएगी, अगर आपको इसको डिटेल से पढ़ना है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव इज एन इम्पेरेटिव ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, नेचुरलनेस, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन। तो ये एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपके प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश से, और यहाँ पर बोला गया कि जो एक्यूरेसी है उसको, जो एक्सप्रेशन है बेसिकली उसको इम्प्रेसिव होना चाहिए। तो ये बात करता है एक्यूरेसी और करेक्टनेस की, कि जब आप किसी चीज़ को करेक्ट लिखते हैं, सटीक लिखते हैं, कोई चीज़ सटीक है या कोई बहुत सही है, करेक्ट अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम लिख रहे हैं, वहां पर हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो इम्प्रेसिव होता है, वो ज़्यादा आकर्षक बन जाता है, ठीक है। अगर कोई इंसान है वो एक्यूरेट है बोलने में, लिखने में, तो वहाँ इम्प्रेसिव हो जाता है उसका जो भी लेखन है या जो उसका स्पीच है। तो एक्यूरेसी और करेक्टनेस प्रिंसिपल से रिलेटेड ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आई थिंक यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। डैश इज एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, क्या एडवांटेज है कम्युनिकेटिव अप्रोच का? तो सबसे बड़ा एडवांटेज अगर हम देखें तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, स्पीच एबिलिटी विकसित होना सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि कम्युनिकेटिव अप्रोच में हम बेसिकली यूज पर ही फोकस करते हैं, इंटरेक्शन पे फोकस करते हैं, और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को विकसित करना मेन गोल होता है इसका। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में भी चार पार्ट है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगी, ठीक है, अभी बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर रही हूँ। तो स्पीच एबिलिटी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, इफ अ बंगाली फैमिली लिव्स इन दिल्ली, द चिल्ड्रन इन द फैमिली विल लर्न डैश इन फैमिली एंड डैश फ्रॉम एनवायरनमेंट। अगर एक बंगाली फैमिली दिल्ली में रहती है तो वहां पर घर में वो कौन सी लैंग्वेज सीखेंगे और एनवायरनमेंट से क्या सीखेंगे, तो हमें बताना है कि कौन सी भाषा सीखेंगे। तो अगर बंगाली फैमिली है अपने घर में वो बंगाली सीखेंगे, ठीक है, तो हिंदी होगा नहीं, और बंगाली है और बाकी एनवायरनमेंट से क्या सीखेंगे, हिंदी सीखेंगे, ठीक है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन इज डन ऑन टू बेसिस, दो बेसिस पे इवैल्यूएशन किया जाता है, तो कौन कौन से आधार हैं इवैल्यूएशन के दो इंपॉर्टेंट, तो एक होता है फॉर्मेटिव और एक होता है समेटिव, ठीक है। दो इवैल्यूएशन के आधार है, या तो हम फॉर्मेटिव तरीके से करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, या तो समेटिव तरीके से करते हैं। दोनों से ही मूल्यांकन में क्या आती है, कॉन्टिन्यूटी आती है, सततता जिसको हम कहते हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स, कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापकता की बात हम कर रहे हैं, तो व्यापकता में क्या चीजें शामिल होंगी, तो देख लेते हैं। व्यापकता में असेसमेंट होगा, असेसमेंट ऑफ आंसर बुक्स, परफॉर्मेंस ऑफ को करिकुलर, असेसमेंट ऑफ हैबिट्स, वर्क हैबिट, क्लीनिनेस एंड कोऑपरेशन, या फिर ऑल। तो देखो कॉम्प्रिहेंसिव में आपके दो पार्ट आते हैं, अगर हम सीसी की बात करें तो एक होता है आपका कॉन्टिन्यूस, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव में एक होता है आपका स्कोलेस्टिक, ठीक है, जो शैक्षिक क्षेत्र है, और एक आपका एरिया होता है जिसको हम को स्कोलेस्टिक कहते हैं, सह शैक्षिक क्षेत्र। तो सह शैक्षिक और शैक्षिक दो क्षेत्र आते हैं। शैक्षिक में आपके सारे स्कूल सब्जेक्ट विषय में आप कैसा कर रहे हो वो आएगा, और पोस्ट कोलेस्टिक में आपकी ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव के साथ जाएंगे,
मतलब हेल्थ क्या है, हैबिट क्या है, वर्क क्या है, क्लीन कितना रहता है, कोऑपरेशन की भावना क्या है बच्चे में, को करिकुलर एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेट करता है, ये सब चीजें हमारे सह शैक्षिक के अंदर आ जाती हैं। तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्लास मैगजीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है क्लास मैगजीन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू, प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लास मैगजीन जो है वो प्रोजेक्ट वर्क का एग्जाम्पल होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेमेडियल वर्क इज टू, रेमेडियल वर्क का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हाईलाइट वीक स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द कॉजेस हु आर लैक इन स्टडीज, स्पॉट द वीक एंड पनिश देम, या मेक द वीक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ देयर बैकवर्डनेस। तो रेमेडियल वर्क का बेसिकली मीनिंग होता है टू रेक्टिफाई द लर्निंग गैप्स और टू रेक्टिफाई देयर प्रॉब्लम, मतलब समस्या का पता लगा के उसको दूर करना रेमेडी का काम है। तो रेमेडी में हम दूर करते हैं, तो यहाँ आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, कि हम यहाँ पे उन स्टूडेंट की पहचान करते हैं, उन केसेस की पहचान करते हैं जो स्टडी में लैक है, जिनको गैप है, समस्या है, एंड देन हम उस पर रेमेडी करते हैं। तो यहाँ पे वीक बच्चों को हाईलाइट करना बिल्कुल भी पर्पज नहीं होगा, स्पॉट करना ये भी नहीं होगा, और वीक स्टूडेंट को उनके बैकवर्डनेस के बारे में बताना ये भी बहुत अच्छा तरीका रेमेडी का नहीं है। रेमेडी का काम है टू रेक्टिफाई, टू रिमूव द गैप। ठीक है, तो इसका बी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमेडियल टीचर शुड कीप अ लिसनिंग विद द पेरेंट्स टू। अब रेमेडियल टीचर अगर है तो उनको पेरेंट के साथ भी एक मेंटेन करके रखना चाहिए, एक रैपो, एक कॉन्टेक्ट। तो उसको क्या फायदा है पेरेंट के साथ एक रैपो बिल्डअप करने में, वो बताना है। तो ये भी आसान था, ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, अगर पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे ये हेल्प करेगा टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द कॉज बिहाइंड चाइल्ड्स लैगिंग, यानी कि जो पिछड़ापन है चाइल्ड का, जहाँ पे वो लैग करना कर रहा है, जहाँ पे वो पीछे है, जहाँ पे वो उसको गैप है, समस्या है, उसके बारे में, उसके कारणों को पता लगाने में जो पेरेंट्स हैं वो मदद कर सकते हैं। तो इसका बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, मैनी अ मैन डैश डन दिस, मैनी अ मैन इज हैज वाज या फिर वर, क्या होना चाहिए करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में मैनी अ यूज हुआ है, तो मैनी जो है ये इसके साथ यहाँ पे आप देखोगे कि सिंगुलर यूज हुआ है, सिंगुलर नाउन है, तो जब सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैनी है, तो मैनी के बाद यहाँ पे अ दिया हुआ है आर्टिकल और सिंगुलर है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही अपना आंसर करेंगे, मैनी के अकॉर्डिंग हम आंसर नहीं करेंगे। तो मैनी अ मैन हैज डन दिस विल बी राइट, तो इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड एंड सिल्वर डैश प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर इज हैज हैव या फिर आर। तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों की बात हो रही है, तो दो सब्जेक्ट जो है वो जुड़े हुए हैं एंड से, तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, तो आर के साथ हम जाएंगे, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। नेक्स्ट में आपसे एक पोएम पूछा गया था और यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच बताना है, ब्लू एज द विंग्स ऑफ अ हाइक्लोन वाइल्ड। तो यहाँ पे ब्लू एज द यूज हुआ है, तो सिमिली हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 51 में बी हो जाएगा। सिमिली क्या है, जो जहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं एक तरह से, लाइक एज और सो का यूज करके हम दो अनलाइक थिंग में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहां पे सिमिली है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट में राइम स्कीम बतानी है, तो देख लेते हैं क्या होना चाहिए, डे गे वाइल्ड चाइल्ड। तो डे है तो ए कर देंगे, डे का डे के जैसा सेम है, डे गे सेम साउंड है, तो ए ए हो गया, वाइल्ड बी कर देंगे, वाइल्ड चाइल्ड सेम है तो इसका भी बी कर देंगे, तो ए ए बी बी जो है करेक्ट राइम स्कीम इसकी होगी। सो हम किसके साथ जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम, द प्लॉट ऑफ अ स्टोरी मे बी। अब ये पोएम पूछा गया था कि इसका जो प्लॉट है वो क्या होना चाहिए, प्लॉट का मतलब जो कहानी है, जो जिस तरह की कहानी दी हुई है वो किस तरीके किस किस चीज का जिक्र कर रही है या क्या शो कर रही है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट टू सो गे, ब्लू एज द विंग्स ऑफ द हाइक्लोन विल्ड, वी वीव द रोब्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो इसका जो स्टोरी का प्लॉट है वो कॉमिक, ट्रेजिक, सैट्रिक सभी है। ठीक है, तो यहाँ पे डी के साथ हम जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अब हम,
अगला क्वेश्चन है, डेविड वॉज द वॉल ऑफ आर क्रिकेट टीम, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? तो डेविड को बोला गया कि भाई जो डेविड है वो हमारी क्रिकेट टीम का वॉल है, यानी डेविड को क्या कहा गया कि वो दीवार है, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि कंपैरिजन किया गया है, तो यह मेटाफर हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाफर को हम इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड कंपैरिजन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो चीज जो होती है उसको डायरेक्टली कह दिया जाता है यहाँ पे मेटाफर में, ठीक है। जैसे डेविड को कह दिया कि भाई वो तो वॉल है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सिमिली बोलती तो ये हो सकता था कि डेविड वॉज एज द वॉल हो सकता था, लाइक द वॉल हो सकता था, तो वो सिमिली होता, ठीक है। तो मेटाफर बेसिकली जो होता है वो हमारा इम्प्लाइड तरीके का कंपैरिजन होता है, इसके अंदर इम्प्लिसिट कंपैरिजन इसको कहा जाता है, इम्प्लिसिट सिमिली भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर इसका बी बनेगा। बाकी पर्सोनिफिकेशन आपको पता है कि जो नॉन लिविंग थिंग है या जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी दे देना, ह्यूमन क्वालिटी इनको बताना पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट है, अनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस इन मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन या प्लॉट। अभी मैंने जस्ट बताया, वही क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि जो ऑब्जेक्ट्स है जो नॉन लिविंग है या फिर जो अनएनिमेट है, एब्स्ट्रैक्ट है, उनको हम इस तरह से बोलते हैं जैसे कि उनमें लाइफ हो और उनमें इंटेलिजेंस है या उनके अंदर बुद्धि है या ह्यूमन क्वालिटी बेसिकली हम यहाँ पे अगर उनको दे देते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल होता है, मानवीकरण कहा जाता है इसको हिंदी में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पोएम सेक्शन से काफी इजी लेवल के क्वेश्चन है ये, इनको मैं बिल्कुल टफ नहीं कहूंगी, इसलिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया है। बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिटरेचर और पोएट्री से पूछे गए थे। और इसी के साथ हमारा शिफ्ट फोर में जितने क्वेश्चन थे वो मैं करवा चुकी हूँ, सभी हम कर चुके हैं। एक दो क्वेश्चन जो थे जो जिनका आंसर जो है जो बोनस दिया गया था जिन क्वेश्चन में, वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, अदरवाइज मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं आप लोगों से। तो फिर आई होप कि आपको ये चारों शिफ्ट के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर इनकेस पहली बार आप मुझे देख रहे थे तो आपको बाकी शिफ्ट के पेपर्स मिल जाएंगे, एक अलग से प्लेलिस्ट में आज अपडेट कर दूंगी, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, मैं वहां पे प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी, ठीक है, वहां से जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। एंड इनकेस इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज देन ज्वाइन फ्रॉम एप्लीकेशन, एंड कोई भी फीडबैक हो तो फील फ्री टू गिव मी। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।